हर इंसान का सपना होता है कि वो बड़ा आदमी बने। उसकी चाहत होती है कि दुनिया की सारी ताकत वो अपने काबू में कर ले, जिसके लिए वह कुछ अलग रास्ता अपनाता है। उनमें से एक रास्ता जाता है नागमणि की ओर। हाँ दोस्तों, एक ऐसा चमत्कारी पत्थर जिसे कहते हैं नागमणि। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ नागमणि का चमत्कार। नागमणि सुनते ही हर एक आदमी अपने आप को ताकतवर और बड़ा आदमी महसूस करने लगता है। नागमणि यानी जहरीले नाग के मुंह से निकला हुआ पत्थर, नागों के सिर में जड़ा हुआ मुकुट। कहते हैं जिस आदमी को नागमणि मिल जाए उस आदमी की किस्मत बदल जाती है। यूं कहे कि वह आदमी अपनी किस्मत खुद बदल सकता है, जो करना चाहता है वो कर सकता है। नागमणि जिसको मिल जाए वो दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़ा आदमी बन सकता है, जिसके इशारे पर दुनिया चले। आज हम आपको ऐसे ही ताकतवर मणि के बारे में बताएंगे जिसके पास होती है नागमणि। जरा सोचिए, अगर आप अनमोल नागमणि पा जाए तो आपके बस में हो सकती है दुनिया, लेकिन बहुमोल नागमणि पाना इतना आसान भी नहीं। देखिए नागमणि से जुड़ी हुई हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या आपने नागमणि देखी है? क्या आपने नागमणि का असर देखा है? क्या आपने नागमणि का जादू देखा है? क्या नागमणि किसी की तकदीर बदल सकती है? क्या नागमणि हीरे से भी ज्यादा चमकदार होती है? कैसे और कहां मिलती है नागमणि? नागमणि की कई कहानियां लोगों के द्वारा आपने सुनी होंगी। नागमणि सामान्य सांप के पास नहीं होती है और ना ही नागमणि साधारण सांप के पास होती है। कहा जाता है कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती हैं। जिसके पास नागमणि होती है वो किसी की भी तकदीर बदल सकता है। नागमणि वो पत्थर है जिसकी चमक हीरे की चमक को भी फेल कर देती है। नागमणि की कहानी हजारों साल से सुनाई जा रही है। नागमणि उन सांपों को मिलती है जो 1000 साल तक जिंदा रहते हैं। उस सांप को लोग नागराज कहते हैं, जो सांपों का राजा होता है। नागमणि मोती जैसी होती है। वहीं कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में ओस की बूंद सांप के मुंह में पड़ती है तो वो नागमणि बन जाती है। इस पत्थर के बारे में लोग आज से नहीं पहले से ऐसा मानते चले आ रहे हैं। आखिरकार कुछ तो रहस्य होगा। और वहीं यदि कोई भी व्यक्ति नाग को ओस की बूंद पीते हुए देख लेता है तो वह आदमी गरीब नहीं रहता। वहीं यह भी माना जाता है कि सांप दूसरे सांपों को नहीं खाता है, इसके लिए उन्हें जहर की जरूरत नहीं पड़ती और वही जहर नाग के सिर में जमा हो जाता है और वर्षों जमा होने के बाद वो कठोर पत्थर का रूप ले लेता है। ये पत्थर के समान कठोर हो जाता है और जहर की वजह से चमकता है, जो नागमणि कहलाता है। आपने पहले भी नागमणि की बहुत सी कहानी सुनी होगी। कुछ दिन पहले तो आपने नाग और नागिन के साथ नागमणि की एक स्टोरी हमारे इसी चैनल पे आपने देखी होगी, जो सोशल मीडिया में जमकर देखी गई। इस वीडियो में नाग के पास नागमणि साफ तौर पर नजर आ रही है। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो साबित हो जाती है कि नाग अपने पास मणि रखता है, उसको छोड़कर नहीं जाता। अगर ये किसी इंसान को मिल जाए तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन सकता है। वैसे बहुत से लोगों के मुंह से इस तरह की तमाम किस्से आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन देखिए नागमणि के सच को बयां करती हमारी ये खास रिपोर्ट। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा दावा जो नागमणि का दावा कर रहा है, दावा जो फिल्मों में देखा और सुना गया है। लेकिन क्या नागमणि होती है? आपने नागमणि और इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियां फिल्मों में बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन आज तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि ऐसा होता है या केवल बातें की जाती हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे सांप नागमणि के पास बैठा हुआ है और नाग के पास गोल चमकता हुआ एक पत्थर है जो नागमणि कही जाती है। कहते हैं कि नागमणि बहुत ही चमकदार होती है। सांप की नागमणि हीरे से भी ज्यादा चमकती है। नागमणि एक ऐसा चमकता हुआ पत्थर होता है जो एक बंद अंधेरे कमरे में रखने पर कमरे को रोशनी से भर देता है। नागमणि का अस्तित्व प्राचीन काल से बताया जाता है। कहते हैं नागमणि सांप के सिर में होती है और नागमणि चमकदार होने के साथ साथ खुशबू से भी परिपूर्ण होती है। नागमणि के बारे में लोग कुछ भी बोले, लेकिन नागमणि की कहानी सदियों से चली आ रही है, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में भी मिलता है। नागमणि के बारे में जानने के लिए हमें समझना होगा कि नागमणि का नाम नागमणि कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दंत कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी,
नाग एक ऐसा जीव है जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यदि नाग पास से निकल जाए तो होश उड़ जाते हैं, नाग का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नाग के पास सिर पर सजने वाली नागमणि होती है, नागमणि जिसकी चमक अंधेरे में रोशनी फैला देती है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि नागमणि नाग के सिर में सजती है, जिसकी कीमत सोने चांदी और हीरे से भी ज्यादा होती है। कहते हैं नागमणि की रोशनी कमरे में उजाला कर देती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नाग रात में अपना शिकार नागमणि की रोशनी में करता है, दिन में नागमणि को अपने पेट में रखता है और रात में इसे उगलकर अपने माथे पर सजा लेता है। कभी कभी नाग अपनी मणि को जमीन पर भी रख देता है, उसी समय लोग उस पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागमणि को पाने के लिए उसके ऊपर काला कंबल डाला जाता है, तो वहीं कुछ लोग नागमणि पाने के लिए उसके ऊपर लोहे के तवे रखने की बात करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से नाग की शक्ति खत्म हो जाती है और वो अपनी जगह से दूर नहीं जा पाता। नागमणि की रोशनी में उसकी शक्तियां छिपी होती हैं और शक्ति ना मिलने पर नाग वहीं जमीन पर सिर पटक पटक कर मर जाता है। नागमणि की कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नागमणि को दुनिया भर में लोग मानते हैं, लेकिन विज्ञान की नजरों से देखें तो विज्ञान कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं जो बिना रोशनी के चमके। यहाँ तक कि हीरा भी सबसे ज्यादा चमकीला होता है, लेकिन हीरा भी रोशनी पड़ने के बाद ही चमकता है। वहीं यदि जानकारों और इतिहासकारों की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि नागमणि होती है और उसका असर भी जरूर होता है। साथ ही इतिहासकार विज्ञान को यह कहते हुए झूठा साबित करते हैं कि विज्ञान की हर बात को सहमत नहीं कर सकते हैं और ना ही हुआ जा सकता है। नागमणि की बात की जाए तो सबकी अलग अलग राय है। एक तरफ नागमणि को विज्ञान ने झूठा बताया है। विज्ञान का कहना है कि नागमणि जैसी कोई चीज नहीं होती और ना ही किसी सांप के पास पाई जाती है जिससे चमत्कार हो जाए, ये सिर्फ लोगों का वहम है। लेकिन कुछ जानकार बताते हैं कि नागमणि का अस्तित्व आज से नहीं है, नागमणि की बात पुराणों में भी की गई है। वही लोग कहते हैं कि पौराणिक काल में भी नागमणि का जिक्र किया गया है, यदि ऐसा नहीं होता तो फिर भगवान भी नहीं होते। वही लोगों को कहना है कि नागमणि होती है जैसे भगवान होते हैं, जैसे सूर्य एक सत्य है जो पृथ्वी को रोशनी से भरता है, तो ये भी एक सत्य है। विज्ञान तो भगवान को भी नहीं मानता, भूत को भी नहीं मानता, लेकिन क्या भगवान नहीं होते? कुछ लोग नागमणि पाने के लिए न जाने कितने ही सांपों को मार देते हैं, लेकिन आज तक नागमणि को कोई भी नहीं प्राप्त कर सका। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नागमणि इंसानों के संप्रदाय से संबंधित है। उत्तर भारत में नाग की पूजा करने वाले संप्रदाय के लोग होते थे जो नागों की पूजा करते थे, और आज भी नागपंचमी के दिन नाग की पूजा उन्हीं नाग संप्रदाय की परंपरा की मिसाल है। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों के वंशज और इंद्रप्रस्थ के आसपास रहने वाले नागवंशियों में संघर्ष हुआ था। अभिमन्यु के पिता जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए नागवंशियों को उजाड़ दिया था, जो आज के मध्य भारत और महाराष्ट्र के नागपुर इलाके में बसे हुए हैं। उन्हीं नागवंशियों के ठिकानों को जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि नागमणि नागवंशियों के माणिक जैसे कोई रत्न रहा होगा। बाद में दूसरे रत्नों को भी माणिक कहा जाने लगा। कुछ लोग तो अंग्रेजी में पैसा यानी मणि को संस्कृत के मणि से जोड़ देते हैं। एक तरफ तो हम चंद्रमा और तारों की दूरी तय करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नागमणि या यूं कहे कि अंधविश्वास के माध्यम से लोगों के अंदर रातों रात अमीर आदमी बनने की चाहत होती है। वहीं कुछ लोग दावा भी करते हैं कि उनके पास असली नागमणि है, मगर कुछ गिरोह इस तरह से भी सक्रिय हैं जो लोगों को झूठा झांसा देकर नागमणि तक बेचने की फिरका में लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस गिरोह के झांसे में सिर्फ अनपढ़ लोग आते हैं, बल्कि अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बिजनेसमैन भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसके बारे में दिल्ली की सच्ची कहानी से आपको हम अगले एपिसोड में जरूर रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि यह शातिर गिरोह किस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाता है। तो दीजिए इजाजत अपने दोस्त अभिषेक को, मिलते हैं किसी और दिलचस्प सफर के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।